रमीज ने आपकी इनिंग खत्म की। नहीं, किसी को क्या ब्लेम देना। देखिए, जब डोमेस्टिक ना खेल रहे हो तो फिर आप पाकिस्तान की लीग क्रिकेट भी ना खेले तो ज़्यादा बेहतर, किसी और को मौका मिल जाए जो डिजर्विंग है। जब आपको डोमेस्टिक नहीं मिलेगी तो खैर दिल में आता है, लेकिन सब ने छोड़नी होती है क्रिकेट। मेरे ख्याल से टाइमली छूट गया, तो फिर भी स्टिल मैं पार्ट हूँ जलमी का, तो एक अच्छा है कि जो जलमी के लिए खेल रहे हैं, जो परफॉर्मेंस दी है वो अब नए लड़कों के साथ शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो नए रोल पहला दिन है तो ज़रा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन ये है कि इससे भी अब यूज़ टू होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अब मेरे ख्याल से सिलेक्टर भी बन गए हैं, मेंटोर भी बन गए हैं। तो अब छोड़ देंगे दुनिया भर। देखिए, लीग्स तो डेफिनेटली अब मैं नहीं खेल सकूंगा, लेकिन छोटी मोटी जो लीग है, जैसे मैं जाता हूँ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, मैं इधर उधर गया हूँ, वो 10-15 दिन की मैं ज़रूर खेलूँगा, वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखूँगा। उस वक्त जब पीसीबी कोई असाइनमेंट ना हो, कोई जूनियर सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान, उसमें मैं डेफिनेटली अवेलेबल होऊंगा और मैं खेलूंगा ज़रूर। अपना फिटनेस और ये जुनून ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे जितने मर्जी हम लोग बूढ़े हो जाए, एज जितनी मर्जी ज़्यादा हो जाए, अपना फिटनेस पर कंटिन्यू रखना चाहिए। कामरान बाबर आपके छोटे भाई भी हैं और कज़न भी हैं, और फिर अब आप मेंटोर आ गए हैं तो आपसे बैटिंग सीखेंगे भी, और ज़ाहिर आपने प्रूव किया कि आप T20 के बहुत ही तबाहकुन बैट्समैन हैं, अपोनेंट को तबाह कर देते हैं। बाबर का लेकिन एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है कि उसको राशिद खान गुगली पे बार बार आउट कर देते हैं और हसनैन जो है वो आउट स्विंग पे आउट कर देते हैं, तो इस पर आप ज़ाहिर कंसल्टेंट हैं, आप उनको सिखाएंगे तो नहीं लेकिन मशवरे दे सकते हैं, इस पर मशवरा देंगे। और इसके साथ ही राइवलरी जो है ना पेशावर जलमी और क्वेटा ग्लैडिएटर की, क्योंकि एक तरफ सरफराज कप्तान है एक तरफ बाबर कप्तान है, तो ये राइवलरी पहले से ज़्यादा आगे चली जाएगी। और 1-0 आप पर हो गया है, आप थे टीम के साथ और एक मैच चाहे एग्जीबिशन था, हार गया, 6 छक्के भी लग गए, किस तरह कहेंगे? देखिए, डेफिनेटली हर टीम में राशिद और आदिल रशीद जैसे बॉलर्स नहीं है, और उसको एक समझदारी के साथ खेलना चाहिए। वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, वो देख रहा, प्रैक्टिस की है उसने, बात भी करेंगे डेफिनेटली, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर बताएंगे, लेकिन इतना स्किल वर्क, इतना टैलेंट है, इतनी परफॉर्मेंस दी हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़रूरत है बताने की। उसको पता है कि क्या मैंने करना है, कैसे तैयारी करनी मैच की, वो चीज़ है। जहाँ तक आपने क्वेटा की बात की है, एग्जीबिशन मैच है, एक तो बड़ी खुशी की बात है, और क्रेडिट देना चाहिए बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को, पीसीबी को, वहाँ पे मैच करवाया, जैसे लोग आए हैं, बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत मिली, शौक है उनको वहाँ पे, हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर आए सारे खेलने के लिए। देखिए, एक चीज़ देखें कि इन लड़कों के प्रोफेशनलिज्म देखें, उस मैच को उन्होंने सीरियस एटीट्यूड के साथ खेला, कोई रिलैक्स नहीं हुए, ये जान डाली, हार जीत होती रहती है, क्वेटा के साथ हमेशा ऐसे ही हुआ, अपर एंड हुआ जलमी का पूरे मैच में, लास्ट 1-2 ओवरों में उनके पास चला जाता, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मेन पीएसएल का मैच बढ़ जाएगी। एक तरफ बाबर कप्तान, एक तरफ सरफराज, देखिए वो तो 7 सालों से बढ़ ही रही है, सरफराज 7 सालों से कप्तान ही है और बाबर को दूसरा साल है कप्तानी का, तो देखेंगे। अच्छा, और हमारे लिए तो बहुत जरूर, 6 छक्के देखिए, अनबिलीवेबल हिट, और चाहे कोई भी बॉलर हो, किसी को मारना बड़ी हिम्मत की बात होती है, और जैसी वो फॉर्म लेके चल रहा है इफ्तिखार T10 से, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, फिर यहाँ पे आते साथ ही उसने धमाका किया, एक अच्छा है और अच्छा साइन है। वजीर खेल बने उसके बाद उनको पहली उसकी वजह से छक्के लगे। अच्छा कामिल भाई, अच्छा मुजम्मिल हो फिर, अच्छा कामिल भाई ये बताएं, नहीं उसने कोशिश की है, किसी को भी लग सकते हैं इसमें, ये तो नहीं है उस एबिलिटी उसकी खत्म हो गई है या मैच विनर नहीं है, मैच विनर है। अच्छा।